हाय एवरीवन, दिस इज सुवासी। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट था। कल हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे, इसके नीचे अगर आता है तो सेलिंग के लिए हम लोग प्लान करेंगे, इसके ऊपर मार्केट साइडवेज के लिए या गैप अप खुला तो हम लोग वॉलेटिलिटी या साइडवेज के लिए प्लान करेंगे। आज मैं फिन निफ्टी को ट्रेड भी कर रहा था, देख भी रहा था, तो क्रेजी वॉलेटिलिटी थी। अगर आप फिन निफ्टी पर्सनली देखोगे, एक पॉइंट पे मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया एक जगह पे, फिर ऊपर की तरफ एक स्पाइक लगा रहे थे, फिर लास्ट आवर के अंदर फिर कंटिन्यूसली गिरा। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, आपको याद होगा एनालिसिस के अंदर, जिस तरीके से मंथ फॉर्मेशन हो रहा है, पहले फर्स्ट वीक में गिरा, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेगा एंड टुवर्ड्स द मंथ एंड ये फिर से गिरना स्टार्ट करेगा, वही एक्सपेक्टेशन था। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा मार्केट ना पॉजिटिव हो गया, ये फ्राइडे के कारण थोड़ा सा सेंटीमेंट थोड़ा सा मेरा नेगेटिव मतलब पॉजिटिव के साइड कन्वर्ट हो रहा था, और इसके नीचे में कंप्लीटली बेरिश था। बस ये कैंडल के कारण लगा कि नहीं, मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और इसके नीचे जब मार्केट आज आना स्टार्ट किया, आप लोगों को याद होगा कल भी मैंने एक पॉइंट बताया था, मार्केट यहाँ से मूव किया है, अगर इसी जोन पे बना रहेगा 20-30% करेक्शन में, दैट मीन्स ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसको नीचे आना है तो ये 50% करेक्शन करके नीचे आ जाएगा, 15,800, 600, 700, ये सारे क्रूशियल जोन थे, कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसके नीचे जब आया तो फिर टारगेट और बड़ा प्लान हो गया कि नहीं, हाँ एक नया लो के लिए, नया स्विंग के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अभी इंटरेस्टिंग क्या हो गया है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप लोग देखोगे 1 आवर चार्ट के अंदर, अगर हम लोग देखेंगे मार्केट एक रेंज के अंदर बना रहा था। अगर आप देखोगे यहां से एक रेंज था, यहां से एक रेंज था, जो कि आज ब्रेकडाउन हो चुका है इसके नीचे, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 51,400 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एंड आने वाले टाइम में हो सकता है ये लो हम लोग को फिर से देखने के लिए मिले। तो अभी भी हम लोग के पास अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ है, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट और इसके अंदर नीचे की तरफ डाउनसाइड जा सकता है। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे एग्जैक्टली क्या प्लान होना चाहिए डेली चार्ट के अंदर, मैंने आपको कल भी एक पॉइंट बताया था, मार्केट्स कंटिन्यूसली ग्रीन रेड इस तरीके से बना रहा है, तो चांसेस है कि नहीं ये फॉलो थ्रू कर दे, ये मार्केट का जो मोमेंटम किया है उसका 50-30-40% के नीचे अगर आना स्टार्ट करता है सेलिंग, और ये लो के आसपास टारगेट। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जितने लोग बाय करने के लिए ट्रेड कर रहे होंगे उन लोगों का यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कब ये क्रॉस करेगा, बाय करेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का SL होगा, तो ये आने वाले टाइम में हिट हो सकता है, तो डेफिनेटली हम लोग इसके नीचे प्लान करेंगे। हाँ, सरप्राइज में नहीं होगा अगर ये लेवल पे 51,000 के आसपास मार्केट थोड़ा सा पॉज टाइप का कैंडल बनाए, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन अगर आप देखोगे मार्केट ट्रेंडिंग टाइप मूव कर रहा है, वॉलेटिलिटी होती है फिर ट्रेंडिंग भी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर एक कैंडल इस तरह कुछ बनाए तो हम मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, लेकिन आने वाले टाइम में बेरिशनेस के लिए प्लान हो गया है जब तक कि 52,000 क्रॉस नहीं करता, ये हम लोग का ओवरऑल हो गया। चलिए कल एक्सपायरी है तो 15 मिनट्स में देखते हैं एग्जैक्टली प्लान क्या होना चाहिए। आप खुद सोचिए, कहीं ना कहीं इसके नीचे बहुत सारे लोगों का SL होगा, आपको पता चल रहा होगा। और मार्केट में अगर लेट्स से 3 कंडीशन हो सकता है, अगर गैप अप खुला, ये जोन पे खुला, वी गोइंग टू वेट, हम लोग क्या करेंगे, एक बेटर प्राइस हम लोग को मिलेगा 600-700 इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 51,600-700 में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर का कॉल मैं शॉर्ट करके रखूंगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है गैप अप खुलने के बाद एंड 51,000 से रिवर्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे फिर मैं PE ऐड करूंगा, थोड़ा सिस्टमेटिक ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, एक डायरेक्शनल पहले, उसके बाद फिर वॉलेटिलिटी या साइडवेज के लिए मैं प्लान करूंगा। अगर ये गैप अप खुला तो थोड़ा इजी हो जाएगा कि नहीं, हम लोग को कॉल थोड़ा बेटर प्राइस में मिलेगा एंड नीचे की तरफ अगर ये गया पहले कैंडल में, अगर 51,000 टच कर रहा है और यहाँ से कुछ बुलिश कैंडल बना के रिवर्स हो रहा है, इसके नीचे फिर बाद में मैं PE ऐड करूंगा। अगर मार्केट इमेजिन करो यहाँ पे वेट किया एंड सेकंड आपके अंदर ये ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ से वेट किया, बहुत टाइम तक वेट किया, दैट मीन्स प्रीमियम गल चुके हैं और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ये दिस कैन बी ऑप्शन बाइंग सिनेरियो, जैसे आज का सिनेरियो मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो नीचे की तरफ फॉर्मेशन हो रहा था, तो ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो भी हम लोग को दिख गया, फिर निफ्टी अच्छा खासा सिनेरियो दिख रहा था। यहां पे अगर मार्केट साइडवेज गया, वोलेटिलिटी हुआ एंड सेकंड आपके अंदर अगर ब्रेकडाउन कर रहा है 51,200, तो कहीं ना कहीं 51,000 के बिलो, थोड़ा सा 70-80 या 100 पॉइंट बिलो, ये 200 पॉइंट का एक टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है, मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय करना प्रेफर करूंगा। और एक कंडीशन हो सकता है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलिया, लेट्स से कि 51,000 के नीचे कहीं पे खुला या फिर 51,000 के आसपास खुला, ये जोन पे खुला, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल चला जाए, ये गैप फिल करे, उसके बाद थोड़ा सा डीप करेक्शन, फिर इसी रेंज के अंदर, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसी रेंज के आसपास रह सकता है, क्योंकि आज एक अच्छा खासा प्राइस बनाया है। और अगर हम लोग वीक में देखेंगे मार्केट यहां से रिवर्सल होना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि नहीं कैंडल यहां से पॉज बना दे, तो कल के दिन हम लोग को इंटरेस्टेड ये रहेगा कि नहीं थोड़ा सा गैप अप खुला तो बेटर प्राइस मिलेंगे, गैप डाउन खुल रहा है तो क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जितने लोग आज सेल किए होंगे उन लोग भी वही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, पुट बाय करके होल्ड करके जितने लोग रखे होंगे वही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे गैप डाउन खुले तो हम लोग प्रॉफिट बुक करें, और जो जितने लोग सेल किए होंगे उन लोग प्रॉफिट बुक करेंगे
तो उन लोग बायर बन जाएगा, और उस जगह पे अगर आप सेल करोगे फिर आप फंस सकते हो। तो आपको कहाँ पे सेलर मतलब सेलिंग का अपॉर्चुनिटी चाहिए, सेलर के साथ आपको जाना है। मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप खुला ये जोन पे, तो डेफिनेटली इतने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, उन लोग प्रॉफिट बुक किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके नीचे क्रॉस किया तो यहाँ पे सेलर्स ऐड होंगे, और इसी जगह पे अगर हम लोग ऐड होंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। कल अगर गैप डाउन खुला तो हो सकता है वॉलेटिलिटी या साइडवेज की तरह मार्केट बिहेव करे, तो या फिर ऑप्शन सेलिंग की तरह बिहेव करे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो था, यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो था, ये भी बाइंग का ही सिनेरियो था। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे दो तीन दिन के मार्केट में दोनों साइड मूव कर रहे हैं, बाइंग का सिनेरियो अच्छा खासा बन रहा है, तो हो सकता है कल थोड़ा सा सेलिंग का सिनेरियो बन जाएगा, मतलब ऑप्शन सेलिंग के लिए गैप डाउन अगर खुलता है। तो कम क्वांटिटी में कल प्लान करूंगा, अगर गैप डाउन खुलता है भले कल डायरेक्शनल चला जाए, मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे ट्रेड मतलब 15,000 में ओपन हुआ, मैं थोड़ा सा दूर का सोचूंगा कि चलो 15,400-15,300 प्लान करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे 15,000 रेस्पेक्ट करके नीचे जा रहा है, मैं फिर 51,000 के आसपास कॉल शॉर्ट करूंगा। अगर ये क्लियर कट दिख रहा है कि नहीं, इसके नीचे इतना बड़े कैंडल बन रहे हैं और हम लोग को स्टॉप लॉस के लिए अच्छा प्लेस मिल रहा है, तब जाके मैं थोड़ा सा एग्रेसिव 50,500 एट द मनी या इन द मनी के आसपास भी जा सकता हूँ। डिपेंड कि स्ट्रेंथ कैसे बन रहा है उस हिसाब से, क्योंकि मंथ में अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, तो हमेशा ध्यान में रखा अच्छा प्रॉफिट मतलब उसको बस थोड़ा सा एडिशन करने की कोशिश करो, फिर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो चांसेस है कि नहीं जो आपको ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो एक दो तीन दिन में मिला है ये हमेशा नहीं मिलेगा, तो इसके कारण आपका फिर बाउंस बैक हो सकता है या लॉसेस हो सकता है। निफ्टी अगर देखेंगे, निफ्टी हम लोगों ने लास्ट वीक भी डिस्कशन किया था कि नहीं, वीक सिनेरियो में है, जब तक 25,000 ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग बाइंग का सिनेरियो नहीं ढूंढेंगे, और इसके नीचे हम लोग वैसे भी सेलिंग के लिए प्लान कर रहे थे, और नया लो के लिए दो कैंडल अगर आप देखोगे बहुत बड़ा रेस्टिकल सेलिंग आया, उसके बाद एक पुल बैक दिया, उसके बाद सेलिंग। और अगर आप एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब मैंने आपको पॉइंट बताया था, मार्केट अगर एक अप मूव किया है, अगर ये 20-30% के आसपास वेट कर रहा है तो इसका मतलब नया हाई लगाने वाला है। सिमिलर मार्केट अगर नीचे मूव किया है 20-30% के आसपास अगर ओवर कर रहा है, इसका मतलब ये नया लो लगाने वाला है। मार्केट यहाँ पे मूव किया, थोड़ा सा टाइम होवर किया, उसके बाद नया लो लगाया। आप देख रहे हो कितना सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट रिवर्सल हो गया मैं इमीडिएटली फिर पी ऐड कर देता हूँ, तो इसका मतलब मैं पहले कॉल शॉर्ट कर लेता हूँ अगर सिग्निफिकेंट दिख रहा है, या फिर सिग्निफिकेंट ऊपर मूव कर रहा है मैं नीचे पी शॉर्ट कर लेता हूँ, फिर आई एम गोइंग टू वेट फॉर द मार्केट के नहीं, मार्केट के 50% के नीचे करेक्ट कर, अगर करेक्ट कर रहा है तो मैं कॉल ऐड कर लेता हूँ, अगर नहीं करेक्ट कर रहा है तो मैं पी को अपशिफ्ट करते रहूंगा, और जहां पे मुझे थोड़ा सा सेलिंग का सिनेरियो दिखेगा वहां पे मैं सी ऐड करता हूं। तो मैन्युअली अगर आप देखोगे तो मैं मार्केट के साथ सिंक रहता हूं। यहां से अगर देखेंगे मार्केट ऊपर गया 20-30% के आसपास करेक्शन बढ़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब अगर पी शॉर्ट होगा तो यहाँ से, या फिर यहाँ पे सी बाइंग हो जाएगा, डिपेंड कि नहीं कौन सा डे है। अगर वेडनेसडे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी निफ्टी के दिन है तो ऑप्शन बाई कर लेता हूँ। मार्केट फिर ऊपर गया, बहुत बड़ा करेक्शन है, यहाँ पे भी सिमिलर मार्केट फॉल हुआ, कुछ मेजर करेक्शन नहीं है। तो ये सारे आपको बस पॉइंट ढूंढने के लिए, मार्केट बहुत सारे लोग गलती करते हैं ये पॉइंट में बाई करके रख लेते हैं, नहीं मार्केट अगर शार्पली फॉल हुआ है वेट फॉर इट, अगर ये 50-60% करेक्शन कर रहा है दैट्स अ साइन कि ये मार्केट रिवर्सल हो चुका है, यहाँ पे अगर कुछ बुलिश साइन दिख रहा है तो मैं बाय करूंगा कि नहीं हाँ चलो ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज मैं कंटिन्यूशन में प्लान करता हूँ। तो निफ्टी भी हम लोग सिंपल प्लान करेंगे, अगर डेली चार्ट्स के अंदर देखेंगे प्रीवियस वीक के नीचे ये निकल चुका है, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रहा है। मार्केट नीचे आया, यहाँ से सेल ऑफ आया, 10-20% ओवर किया, उसके बाद नया लो लगा रहा है, तो कहीं पे मेजर पुल बैक आया ही नहीं है। तो यहाँ पे जंक्शन एक दिख रहा है, तो आने वाले टाइम में हम लोग को 24,000 से 24,200 से लेकर 24,000 पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई कि नहीं हम लोग को मिल सकता है, और ये वीक में और थोड़ा सा ये वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट थोड़ा सा और सेल अप आ सकता है। तो हम लोग को सेल ऑन राइज का मार्केट ढूंढना है। अगर मार्केट लेट से समय अराउंड ये जोन पे अगर खुलता है तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ कुछ प्लान करेंगे, सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है या सेलिंग के लिए। मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया, वेट फॉर ए प्राइस एक्शन कि नहीं प्राइस एक्शन बनाया, तब जाके कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे हो सकता है कि नहीं साइडवेज चला जाए। तो कल का दिन थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग दिन था। अभी थोड़ा सा क्लैरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं एक या दो दिन वेट कर जाओ आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मार्केट नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा था जस्ट बिकॉज ये फ्राइडे कैंडल के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि नहीं एग्जैक्टली ये करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट एरिया पे यहां पे मैं नेगेटिव नहीं सोच सकता। मार्केट फिर खुला गैप अप 52,500 टच किया, फिर नीचे की तरफ आ गया, इट्स अ फर्स्ट साइन कि नहीं हाँ चलो थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव है। 52,500 के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे या 400 के ऊपर हम प्लान करेंगे बाय करने के लिए, और इसके नीचे हम लोग सेलिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि ये कैंडल का 20 30
30% में रिएक्ट कर रहा है, अगर इसके नीचे आता है तो फिर ये पूरा जो मूव है ये कवर हो सकता है या सेलिंग आ सकता है। और मार्केट ने पहले ऊपर की तरफ गया, एक शार्प सेलिंग आया, ये जो इंटेंसिटी ऑफ द मूव था यहाँ पे क्लियरली हो गया था कि नहीं चांसेस है पिटे है कि नहीं। हाँ, ये अगर जो पुल बैक देगा यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो सेलर रेडी रहेंगे इसको सेल करने के लिए। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया और कहीं पर फिर उसके बाद पुल बैक मिला नहीं। तो ये छोटे छोटे प्राइस एक्शन में ना क्वांटिटी इन एंड आउट आप इजिली कर सकते हो, बस प्राइस को ध्यान में रखो। दैट मीन जो ये अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट ये फेड आउट हो चुका है, करेक्ट। अभी अगर मार्केट को सेलिंग के लिए जाना है तो बस अगर थोड़ा बहुत हम लोग को कहीं पे सेलिंग का सिनेरियो दिखा, एक नया लो के लिए हम लोग प्लान करेंगे, थोड़ा सा टारगेट बढ़े के लिए प्लान करेंगे। आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक, थैंक यू।